लिए थे खरगोश ने, लेकिन बिल्ली खा गई तीन के तीन और दोबारा लिए हैं। और ये गमले के पीछे एलोवेरा का पौधा, इसके पीछे खरगोश। ओह ये रहा माशाल्लाह, खरगोश भी है मेरे पास, छुपा हुआ, डर रहा, देख रहा, कांप रहा, बच्चों की तरफ आगे। तो खुतबा हो चुका है शुरू, तो पहुँचते हैं मस्जिद, फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई ब्रांड न्यू व्लॉग। इसका व्लॉग करते हैं स्टार्ट। मेरे चैनल पे जो भी नए हैं, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वीडियो करना है, करनी स्टार्ट, और आगे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो जुम्मा है, तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा जुम्मा मुबारक हो। तो जुम्मे के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ की कसरत किया करें, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ सुनते हैं और पसंद भी फरमाते हैं। तो माशाल्लाह आपका भाई नहान हो के कपड़े कपड़े चेंज करके तैयार है, फुल रेडी है। तो जुम्मे की दान लग चुकी है, तो मैंने कहा करना है नाश्ता, तो नाश्ता करके मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह। मैं डेरे पे आया था, खुतबा भी अभी स्टार्ट हुआ है, मैंने सोचा कि आपको भी दिखाऊँ कि हमने क्या क्या रखा है। देख सकते हैं कि आप मुर्गे वगैरह आपको नज़र आ रहे होंगे, कुकड़ शुकड़ रखे हुए हैं हमने। ये कुकड़ ही हैं, इतने बड़े कुकड़ हो चुके हैं, ये देख सकते हैं, ये है मुर्गियाँ हमारे पास। और आपको पीछे से आवाज़ आ रही होगी, ये पता नहीं कौन लोग हैं ये जो वीडियो में बोलते रहते हैं। ये देख सकते हैं कि आप माशाल्लाह हमारे पास तकरीबन 9, 10, 11 मुर्गियाँ हैं, और उनमें से तकरीबन 3-4 क्या कहते हैं हमारे पास कुकड़ हैं। हमारे पास खरगोश भी है। खरगोश किधर है, खरगोश किधर है? ये देखे देखे कैसे बोल रहे हैं, कुछ लोग हमसे सड़ते हैं और उनको सड़ने दो, जितना लोग हमसे सड़ते हैं कोई बात नहीं। खरगोश यार, खरगोश हमारे बच्चे दिए थे हमारे खरगोश ने, लेकिन बिल्ली खा गई उन्हें। आ चुके हैं, खुतबा स्टार्ट हो चुके हैं, फूल सर पे है, और अंदर घर साहब भी यही खुतबा दे रहे हैं कि जुम्मे वाले दिन बंदों की जो तादाद है वो ज़्यादा होती है, और जो आगे पीछे नमाज है उनमें तादाद कम हो जाती है। घर सब भी खुतबा दे रहे हैं, तो चलते हैं फिर आपको। आपका चेहरा जर्द हो जाता था, आप फरमाते थे ज़हरा, जितने रसूल अल्लाह के बारगाह में जा रहा हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कितनी बड़ी बारगाह है, पढ़ के अभी अभी घर आया हूँ। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि नमाजी कम हो रहे हैं और जुम्मे वाले दिन ज़्यादा, बिल्कुल वही कार साहब का आज खुतबा था। कसम से आप यकीन कर लो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कार साहब ने ये खुतबा करना है। मैंने बस ऐसे ही कहा कि बस मैंने अंदाज़ा लगाया कि आज जुम्मे में काफ़ी लोग आते हैं लेकिन नमाजों में नहीं आते, और कार साहब ने माशाल्लाह वही खुतबा दिया है। तो यार बस 500 भी घर है ना हमारे, 500 घर मतलब कि हमारे बस्ती में तकरीबन 25-30 घर हैं, तो उनमें तकरीबन कोई 350-350 लोग तो होते होंगे, तो उनमें से तकरीबन कोई 300 लोग तो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आने के काबिल होंगे, लेकिन जब मस्जिद देखें तो ज़ोहर में देखें, असर में देखें, मगरिब में देखें, तो सिर्फ 2-2 सब। यार अल्लाह से डरो, ये दुनिया तो आरजी दुनिया है, आप दुनिया के लिए कर रहे हो, जो आगे आपने जाना है अल्लाह ताला को क्या जवाब दोगे तो वो सोचो बस आप। तो जुमा जुमा शुमा पढ़ लिया है, तो बस इंशाल्लाह थोड़ी देर सुकून करेंगे। इसी से लगाया होगा भाई साहब सो रहे हैं, स्कूल से अभी भी आया था, जुमा पढ़ा इसने, हम लेट गया सोने वाला, इसने मूड बनाया होगा, तो बस थोड़ी देर इसी में बैठेंगे फिर अपने ठिकाने पहुँच जाएंगे। पहुँच चुके हैं और तो चलते हैं अंदर, अंदर पता साहब भाई साहब लोग का नाम मिला है, तो फिर इंशाल्लाह थोड़ा जुगाड़ शुगाड़ लगा फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। यार ब्रेक हो तो चुकी है, इस टाइम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बाहर हो रहा है, कलर हो रहा है, सीलिंग हो रही है, मतलब कि पेंट हो रहा है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है ऐसा पेंट हो रहा है बाहर। तो दरवाजे के साथ बिल्कुल सीढ़ी लगी हुई है जिसके ऊपर चढ़ के भाई पेंट कर रहा है, तो इसमें बाहर नहीं निकल सकते, तो वॉशरूम में वीडियो एंड करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी आज वीडियो, कैसे लगे लाइक शेयर करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।